आपके तो गांव में एक या दो स्कूल जरूर होंगे, पर एक ऐसा गांव भी है हमारे देश में जहां का हर घर अपने आप में एक स्कूल है। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन की घोषणा हो गई, जिस कारण स्कूल कॉलेज बंद हो गए और स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण बच्चे पढ़ाई से दूर होने लगे थे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड बना जाए और बच्चों को उसके घर के बाहर ही दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ाया जाए। हमने 100 से अधिक ब्लैक बोर्ड बच्चों के लिए उसके घर के बाहर ही गाँव में ही बना दिया। इन काली दीवारों पर अपना आने वाला सुनहरा कल लिख रहा है दुमका जिले का दुमरथर गांव। हाँ, आदिवासी बहुल लोग रहते हैं जिसके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं रहने के कारण या ऑनलाइन हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे। ये हमारे भारत का एक ऐसा गांव है जहां दीवारों के कान नहीं है, यहां पर दीवारों पर ज्ञान है, लेकिन इसमें भी चुनौतियां बहुत थी। प्रत्येक दिन दर्जनों डब्बा जो चौक की आवश्यकता यहाँ पड़ने लगी, तो इसे कहाँ से हम व्यवस्था करें। रोज रोज हम लोग का माँ बाप चौक नहीं दे सकता, इसलिए हम लोग सपन सर ने चौक बनाने के लिए सिखाया और झाड़ू भी बनाने सिखाया। हम लोग झाड़ू बनाने सीख गए और नीचे बैठने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग चटाई बनाने भी सीख गए। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, अपनी सारी असुविधाओं को सुविधा में बदला, बच्चों को आत्मनिर्भर बनना सिखाया। ये वो गांव है जहां शिक्षा अभी भी 6 इंच की स्क्रीन और 4G की स्पीड की मोहताज नहीं है। एक दिन आएगा जब गूगल भी गूगल पर खुद इस गांव के लिए गूगल करेगा। थैंक यू डॉक्टर सपन कुमार, प्रधानाध्यापक दुमरथर विद्यालय।